काए जिम बिन तेज न रूप गोसाई निज सुख बिन मन होए कि थीरा पुरुष की होए बिन समीरा कौन सिद्ध की। पुजारी लाल दास इज द कोर्ट अपॉइंटेड प्रीस्ट एट द डिस्प्यूटेड राम जन्मभूमि साइट। ये जो विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम चलाया है, मंदिर तो बनाने के लिए कोई रोक नहीं था। फिर हमारे यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है कि हम भगवान को अलग हटा करके किसी जगह रखे जाएं, क्योंकि भगवान जहाँ विराजमान हमारे होते हैं, हम उसको मंदिर ही मानते हैं। हमारी हिंदू परंपरा ही है, चाहे वो किसी भी मकान में रख दिए जाएं, तभी हम उसको मंदिर ही कहते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ विराजमान है वो मंदिर ही होता है। फिर अलग से मंदिर बनाने का कोई औचित्य नहीं। अगर अलग से भी बनाया जाता तो उस इमारत में जिसमें भगवान विराजमान हैं, हम उसको तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो इस मुद्दे को लेकर तोड़ना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक तनाव की स्थिति पैदा हो और हिंदू मत जो है हमारे पक्ष में हो। उनको ये चिंता नहीं है कि कितना बड़ा जनसंहार होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने कटेंगे, कितनी बर्बादियाँ होंगी, या जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हिंदू रहते हैं उनकी क्या परिस्थिति होगी। हमारे देश के सामने तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि 1949 से आज तक किसी मुसलमान ने वहां कोई अवरोध नहीं पैदा किया। लेकिन जब इन्होंने यह नारा दिया कि बाबर के संतानों से खून का बदला लेना है, तब पूरा देश जो है वो दंगाग्रस्त हो गया और कम से कम हजारों लोग इसमें मारे गए, मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन तब भी इन लोगों ने जरा सा यह महसूस नहीं किया कि यह तनाव जो देश में फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम की जो एकता आज हमारे देश में बनी हुई थी, तमाम मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को जो जागीरें दी, आज जानकी घाट में माफीनामा मिला, हनुमानगढ़ी के बहुत से भाग मुसलमानों के बनाए हुए हैं, फकीर राम जी का मंदिर मुसलमानों का माफीनामा है, ये तमाम जो जागीरें मुसलमानी शासकों द्वारा मंदिरों में दी गई, और अमीर अली और बाबा रामचरण दास की जो समझौते थे कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों एक मिलकर के रहेंगे, उसी जन्मभूमि के पाठ में दो भाग किया गया कि एक तरफ मुसलमान निवाज पढ़ेंगे, एक तरफ हिंदू पूजा करेंगे। ये सारी बातें जो थी उस पर इन लोगों ने पानी फेर दिया। अंदर में इस तरह से दंगे फैलाए गए, ये मात्र एक संप्रदायिकता का दंगा कुर्सी और पैसे के लिए फैलाए गए, न कि ये राम जन्मभूमि के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं राम जन्मभूमि मंदिर का पुजारी हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपसे कि आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहाँ पर एक माला भी नहीं चढ़ाया, भगवान की पूजा अर्चना तक उन लोगों ने नहीं करवाया वहाँ पर, और कब बल्कि उन्होंने व्यवधान डाला। हमने हाई कोर्ट में रिट दायर किया और रिट दायर करके तब वहाँ की भोग व्यवस्था चालू करवाया। तो यहाँ की जनमानस ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसमें कुछ किराए के साधु जिनको पैसा चाहिए, पैसे पर खरीदे गए, रामशिलाएं घुमाई गईं, उसके उन रामशिलाओं को उन लोगों ने अपना कमरा अपना मकान बनाना शुरू किया, और काफ़ी जनभावनाओं को उन्होंने दोहन करके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर ली। करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों ने इकट्ठा किया, लाख विभिन्न बैंकों में इन्होंने डाला, और लाखों रुपया उन्होंने व्यक्तिगत अपने खाते में इन लोगों ने डाला। तो लोगों की हत्याएं हो जाएं, लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राम के नाम पर तनाव फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, ये सभी उच्च जात के लोग हैं और सबके सब सुविधा भोगी है। इनमें त्याग और तपस्या और जनमानस का हित लेस मात्र नहीं है, ये केवल धार्मिक भावनाओं को भार करके और स्वयं को सुख सुविधा में वो परिणित किए हुए हैं, ये जनहित की बात कर ही नहीं सकते। लेकिन आज बड़े बड़े मठ हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति उसमें, और हम पैदल छोड़ करके एयरमेल से चलते हैं, फर्स्ट क्लास की टिकट पर चलते हैं, एयर कंडीशन के कमरे में रहते हैं। तो जहाँ पर हम एक तरफ भौतिकवाद, उस भौतिकवादी व्यवस्था से अलग होकर के त्याग और तपस्या और जनहित की बात सोचते थे,
उस जगह हम उसको त्याग करके और हम भौतिकवादी व्यवस्था में परिणित हो चुके हैं। जब हम भौतिकवादी व्यवस्था में पूर्ण रूप से लिप्त हो चुके हैं तो हम भौतिकवाद की ही बात सोचेंगे, हम उससे परे हट नहीं सकते हैं। तो ये आज के धर्माचार्यों को कि आप क्या कहेंगे, हम तो इनको भौतिकवादी व्यवस्था का एक पोषक मानता हूं मैं। ये जो पूंजीपति कहते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, मैं कह रहा हूं कि यहीं पर देश के पूंजीपति जो आज धर्म की, आज अशोक सिंघल को इस बात को जो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े राम के भक्त हैं, क्या राम का यही आदर्श है कि 90% लोग भूखों मर रहे? ये हमारे देश की जो विषमता है आज, ये क्या इन धर्माचार्यों की स्थिति पर नहीं चाहिए? अगर आप बड़े पूंजीपति हैं, आपके पास पैसा है, आपके कहने में एक पूंजीपति समुदाय देश का है, तो उन पूंजीपतियों से पैसा लेकर के उन गरीबों में लगाइए आप, जैसे मदर टेरेसा कर रही है, या और जिन धर्माचार्यों ने किया है, पूर्व जो धर्माचार्यों हमारे ने किया है, उनका अनुकरण करें आप। कि जनमानस को इसका विरोध करना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, हम किसी के दिल को तोड़े नहीं, हमारा धर्म ये अलाउ नहीं करता है, इस चीज को कभी अनुमति नहीं देता है। राम का हमारा ये जो आदर्श है राजनीति का, वो यही है कि जनता सुखी रहे, और जिस तरह से मुख में हम भोजन डालते हैं पेट को मिलता, सभी अंगों को मिलता, उसी तरह से सारी जनता हमारी है, कोई उसमें छोटा बड़ा कोई उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन उन आदर्शों की सीधी हत्या की गई। साधु देखो जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साधु देखो जग बोराना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मर्म कोई नहीं जाना, मर्म कोई नहीं जाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। बहुतक देखे पीर आलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना, उन्हों खुदा न जाना। या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहावे जाना। कह कबीरा सुनो भाई साधो, कह कबीरा सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना, इनमें कौन दीवाना।